बहुत समय पहले एक जंगल में एक प्याज रहा करती थी। उसने सब्जियों के राजा आलू से शादी कर ली थी। आलू से शादी करने के बावजूद प्याज उसके साथ खुश नहीं रहती थी और इसी वजह से वो जंगल के ही एक मिर्च के साथ प्यार कर बैठी। प्याज पूरे दिन मिर्च के साथ हाथ पकड़कर जंगल में घुमा करती थी, पर इस बात का ख्याल रखती थी कि उसके और मिर्च के बारे में आलू को पता न लगे। इधर आलू प्याज से बहुत प्यार करता था और उसका बहुत ख्याल रखता था। एक सुबह आलू और प्याज सोकर उठे, जिसके बाद प्याज घर के कामों में लग गई। कुछ देर बाद आलू प्याज के पास आकर कहता है, अरे सुनो, हमारे गांव में रिश्तेदार के घर पे शादी है, अगर हम दोनों वहाँ जाएंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। ये सुनकर प्याज आलू से कहती है, मेरा तो बहुत मन है जाने का, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे अरे, क्या हो गया तुम्हें? कुछ खास नहीं, बस सर्दी जुकाम। अच्छा अच्छा, ठीक है प्याज, तुम आराम करो, तुम्हारी सेहत जरूर जरूरी है। अगले ही दिन आलू शादी के लिए गांव निकल जाता है। इधर प्याज आलू के जाते ही मिर्च के साथ पूरा दिन घूमती फिरती नजर आती है। प्याज मिर्च से बहुत प्यार करने लगी। एक दिन प्याज ने मिर्च से पूछा, मिर्च, क्या तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो? इसके जवाब में मिर्च थोड़ा हिचकिचाता है, पर कहता है, अरे अरे, ऐसे अचानक क्यों पूछ रही हो प्याज? तो बहुत प्यार करता हूँ, ना मत सोचो। मिर्च की ये बातें सुनते ही प्याज के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और ऐसे ही दोनों अपना वक्त बिताने लगते हैं। कुछ दिन गुजर गए और अब आलू के घर लौटने का समय आ चुका था। प्याज, कहाँ हो तुम? मैं आ गया। आलू की आवाज़ सुनकर प्याज कमरे से बाहर आती है और दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। आलू के आ जाने की वजह से प्याज ने मिर्च से मिलना बंद कर दिया था। काफी दिन गुजर गए थे पर प्याज मिर्च से मिली नहीं थी, जिसकी वजह से मिर्च बहुत ज्यादा परेशान था। यार, इतने दिन हो गए, प्याज मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? जरूर उस आलू की वजह से मुझसे मिल नहीं पा रही है। पत्नी, मुझे धीरज रखना होगा। ऐसा सब बोलने के बाद मिर्च किसी सोच में पड़ जाता है। दिन बीतते चले जाते हैं और अब मिर्च को प्याज से मिले बिना चैन नहीं आ रहा था। इसकी वजह से वो प्याज के घर के बाहर पहुंच जाता है। तो मैं प्याज से मिलकर ही रहूंगा, अभी देखता हूँ आज मुझे कौन रोकता है। अब मिर्च प्याज के घर के बाहर उससे मिलने के लिए पहुंचा हुआ था, पर जैसे ही उसने अपनी नजरें दौड़ाई, उसने देखा कि आलू भी घर के बाहर ही बैठकर अखबार पढ़ रहा है, जिसके बाद मिर्च कहता है, अरे यार, ये आलू को ना किसी दिन मैं मार डालूंगा, देखो तब घर पे ही रहता है, निकम्मा कहीं का। लेकिन मैं अब क्या करूं, कैसे मिलूं प्याज से? काफी देर सोचने और परेशान होने के बाद मिर्च के दिमाग में एक आइडिया आता है। आइडिया? वो एक कागज पर लिखता है और उस कागज का जहाज बनाकर प्याज के घर के किचन की तरफ फेंक देता है, ताकि प्याज उसे उठाकर पढ़ सके और उससे मिलने आ सके। मिर्च ने जैसे ही कागज वाला हवाई जहाज उड़ाया, वो प्याज की जगह आलू के सिर पे जा लगा, जिसके बाद मिर्च की डर के मारे पैंट गीली हो गई। अरे बाप रे, ये जहाज तो प्याज की जगह आलू के पास पहुंच गई। मिर्च जल्दी भाग। इसके बाद मिर्च बिना रुके गोली की स्पीड से वहां से भाग जाता है। इधर चिट्ठी मिलते ही आलू उसे खोलकर पढ़ने की कोशिश करता है, पर उसके समझ में कुछ नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि आलू अनपढ़ था, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। उस दिन जैसे तैसे मिर्च बच गया। कुछ दिन और बीत गए और आखिरकार प्याज मिर्च से मिलने आ ही गई। तुम्हें पता नहीं है मैंने इतने दिन तुमसे मिले बिना कैसे काटे हैं। मैं तुम्हें बहुत याद करती थी मिर्च। इसके जवाब में मिर्च कहता है, तुम्हें भी पता है एक बात प्याज, मैं भी तुम्हें बहुत याद करता था। क्या? मिलने के लिए इतना पागल हो गया था, तुम्हारे घर के बाहर पहुंच गया था। तुमसे मिलने के लिए इतना पागल हो गया था। मेरे घर के बाहर? तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना मिर्च? तुम्हें पता है ना, अगर तुम पकड़े जाते तो कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। हाँ यार, बाद में समझ में आ गया था। मैंने तुम्हारे लिए चिट्ठी लिखी थी, वो आलू के सर पे जा गिरी, तब तो मैं गया। तूने जैसे ही चिट्ठी उठाई, मैं वहाँ से भाग गया। बात बताओ, आलू ने वो चिट्ठी पढ़ने के बाद आपको कुछ कहा नहीं? अरे बुद्धू, आलू ने वो चिट्ठी पढ़ी ही नहीं होगी, क्योंकि वो अनपढ़ है। प्याज की ये बात सुनने के बाद मिर्च ने राहत भरी सांस ली। काफी देर तक दोनों बात कर रहे थे, तभी अचानक मिर्च रोने लगा, जिसे देखकर प्याज ने उससे पूछा, मिर्च क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो, बताओ मुझे। मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है और उनके इलाज के लिए 7 लाख की जरूरत है। मैं नहीं आ रहा है, वो 7 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? अरे बस इतनी सी बात, तुम कल मुझे मिलना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। ये सुनकर मिर्च के चेहरे पे चमकीली मुस्कान आ गई। अगले दिन प्याज ने मिर्च को अपने घर से 7 लाख रुपए दे दिए, जिसके बाद मिर्च उससे कहता है, प्याज मैं ये पैसे आपको एक हफ्ते में लौटा दूंगा, बताऊँ तुम्हें एक हफ्ते के बाद। इसके बाद दोनों अपने अपने घर के लिए निकल गए। एक हफ्ता बीत गया, फिर
फिर भी मिर्च की कोई खबर नहीं थी। अब मिर्च को पैसे लेकर गए हुए 15 दिन से ऊपर हो चुके थे और प्याज को समझ आ चुका था कि मिर्च ने उसके साथ धोखा किया है। मिर्च ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, उसे मुझसे बस पैसे चाहिए थे जो लेकर वो फरार हो गया, और इधर मैं आलू जैसे सज्जन पति को उस मिर्च के लिए धोखा दे रही थी। ये सब होने के बाद प्याज के अंदर आलू का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने ये फैसला किया कि वो अब घर वापस कभी लौट कर नहीं आएगी और जंगल में ही अपनी सारी जिंदगी बिता देगी। सुबह से शाम हो चुकी थी पर प्याज का कोई अता पता नहीं था, जिसके बाद परेशान होकर आलू ने टमाटर मदद लेने की सोची और टमाटर को अपने घर बुलाकर सारी बात बताई। तुम्हें कुछ पता है प्याज किस किस से मिलती थी? नहीं टमाटर भाई, मुझे कुछ नहीं पता। बातों बातों में टमाटर की नजर कोने में पड़ी एक चिट्ठी पे पड़ती है जो मिर्च ने प्याज के लिए लिखा था, जिसे आलू ने मामूली कागज समझकर फेंक दिया था। जब टमाटर ने चिट्ठी खोलकर पढ़ा तब सारा सच उन दोनों के सामने आ गया, जिसके बाद टमाटर और आलू प्याज को ढूंढने जंगल में निकल गए। कुछ देर बाद जब उन दोनों ने घने जंगल में जाकर देखा तो प्याज वहीं बैठकर रो रही थी। हाँ प्याज, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, उस मिर्च ने तुम्हें झूठे जाल में फंसाकर तुमसे पैसे ले लिए, मुझे सब पता है, जिसकी सजा उसे मिलकर रहेगी। आलू तुम कितने अच्छे हो, मैंने तुम्हें धोखा दिया उसके बावजूद तुम मेरे लिए लड़ने को तैयार हो, मुझे माफ कर दो आलू, मैं बहुत बुरी हूँ। इसके बाद आलू प्याज को गले लगाता है और उसे माफ कर देता है। इधर मिर्च को भी आलू और टमाटर ने 2 दिनों के बाद ढूंढ ही लिया, जिसके बाद उसे जंगल से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया गया। साथ ही उससे प्याज के दिए हुए 7 लाख रुपए भी वापस ले लिए गए। इसके बाद आलू और प्याज दोनों एक दूसरे के साथ सुखी सुखी रहने लगे।